प्रेस दी लोड सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर नए वीडियो के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या था। 10 ऐसे पॉइंट है जो हमें बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए, किस लिए आए और क्या करने के लिए आए थे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। नंबर 1, यीशु के इस पृथ्वी पर आने का प्रथम उद्देश्य जो था वो लिखा है मत्ती 5:17 में कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु इसलिए भी आए थे कि यीशु के विषय में जितनी बातें भविष्यवक्ताओं और व्यवस्थाओं की पुस्तक में लिखे थे वो सब पूरा हो, क्योंकि कोई भी मनुष्य जितनी भी बातें भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था में लिखा है पूरा नहीं कर सकता था सिवाय यीशु मसीह के। क्योंकि जब यीशु मसीह भी क्रूस पर थे तब उसने कहा कि पूरा हुआ, मतलब कि सारी बातें जो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में यीशु मसीह के विषय में लिखा था वो पूरा होना चाहिए। तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का प्रथम उद्देश्य था कि सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं में जो यीशु के विषय में लिखा है वो पूरा हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं परंतु उसे पूरा करने आया हूँ। नंबर 2, यीशु के इस पृथ्वी पर आने का दूसरा उद्देश्य जो था वो था पापियों को बुलाना, जो लिखा है मत्ती 9:13 में कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों की नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। क्या खूब कहा है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे बलियों से प्रसन्न नहीं हूँ जो अपने आप को धर्मी कहता है, क्योंकि वो कर्म करते हैं, वो अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरना जानते हैं। तो यीशु कहते हैं कि मैं वैसे लोगों के लिए नहीं आया हूँ। मेरे मसीह भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं जो ये कहते हैं कि मैं धर्मी को बुलाने आया हूँ और पापियों को संहार करने आया हूँ, उसे नाश करने आया हूँ। परंतु हमारे खुदावन कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ ताकि उनका उद्धार करूँ, उसे अपने राज्य में लूँ। तो हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए? एक जो कहता है कि मैं पापियों को नाश कर दूंगा, और दूसरी तरफ यीशु मसीह जो कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। तो फैसला हमारे हाथ में है। तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का जो उद्देश्य था वो था पापियों को बुलाना ताकि वो उसे सेव कर सके। नंबर 3, यीशु के इस पृथ्वी पर आने का जो तीसरा उद्देश्य था वो था तलवार चलाना, जो लिखा है मत्ती 10:34 में कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। तो इस वचन को लेकर जो मसीह विरोधी हैं वो कहते हैं कि ईसाई का जो गॉड है वो तलवार चलाने की आज्ञा देता है, जो बिल्कुल झूठ है। मेरे मसीह भाई और बहनों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि तलवार का मतलब क्या है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं इब्रानियों 4:12 में तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार से भी चोखा है, मतलब कि परमेश्वर का वचन जो है एक तलवार का प्रतीक है। जिस प्रकार तलवार किसी भी मांस को काट कर अलग कर देता है, उसी प्रकार जब परमेश्वर का वचन जो तलवार के समान है जब किसी इंसान पर चलता है तो उसे संसार में से काट कर, मतलब कि अलग करके परमेश्वर के राज्य के लिए अलग उसे किया जाता है। क्योंकि यीशु कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो तो वो हमें कैसे तलवार चलाना सिखाएंगे। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए भी आए ताकि परमेश्वर के वचन लोगों पर चलाकर वो अपने राज्य के लिए अलग करने पाए। नंबर 4, यीशु का इस पृथ्वी पर आने का जो चौथा उद्देश्य था वो लिखा है लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो हमें इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी परमेश्वर के खोए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा से भटक गए थे और अपने अपने मार्ग को खो लिए थे, यीशु उन्हें ढूंढने आया है ताकि सत्य के मार्ग पर ले जा सके, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सके, जो अपने पापों में मर रहे हैं, बीमारियों से जकड़े हुए हैं, इस बुरे संसार में खो गए हैं, यीशु ने उसे उद्धार करने के लिए आया था। नंबर 5, यीशु का इस पृथ्वी पर आने का पांचवा उद्देश्य था जो लिखा है मरकुस 1:38 में, उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। तो यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि हम हर नगर गांव-गांव में जो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है प्रचार करूं, लोगों को मन फिराव का सुसमाचार सुनाऊं, ताकि लोग अपने पापों से मन फिराकर सुसमाचार पर विश्वास करें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें।
नंबर 6, यीशु का इस पृथ्वी पर आने का जो छठवां उद्देश्य था वो लिखा है मत्ती 20:28 में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो यहाँ पर यीशु स्पष्ट रीति से कहते हैं कि हम इसीलिए नहीं आए कि लोग मेरी सेवा टहल करें, लोगों में से मैं इज्जत पाऊं, बड़ा नाम पाऊं, बल्कि मैं खुद लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। पतरस और अन्य सभी चेलों को यीशु ने पैर धोए थे। यीशु हमें छुड़ाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए आए हैं। हर प्रकार का पाप से जो बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, इस संसार में अपने पापों में मर रहे थे, यीशु अपनी प्राण देकर क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमें छुड़ाने के लिए आए थे। नंबर 7, यीशु के इस पृथ्वी पर आने का जो सातवां उद्देश्य था वो लिखा है लूका 4:18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहां पर वचन कहती है कि यीशु इसीलिए आया है कि कंगालों को, मतलब कि दीन लोगों को जिसे परमेश्वर की जरूरत है, उसे सुसमाचार सुनाऊं, वह जो पापों में बंदी हो चुके हैं, जो आत्मिक और शरीर रूप से अंधे हैं, उन्हें दृष्टि दान दूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, मतलब कि दलितों को छुड़ाऊं। तो यीशु के आने का सातवां जो उद्देश्य था कि लोग आजाद हो अपने पापों से, अपने कमजोरियों से और अपने बीमारियों से। नंबर 8, यीशु के इस पृथ्वी पर आने का जो आठवां उद्देश्य था जो लिखा है यूहन्ना 6:38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बने अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए आया हूँ, स्वर्ग से उतरा हूँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो स्वर्ग से उतरकर तुम्हारे पास आया हूँ, शरीर में आया हूँ, लेकिन मैं मनुष्य होने पर भी मनुष्य की सारी लालसाओं विलासाओं को पूरा ना करके अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें भी ठीक यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए जीवन जीना है। नंबर 9, यीशु के इस पृथ्वी पर आने का जो नौवां उद्देश्य था जो लिखा है यूहन्ना 10:10 में, कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे आने का मकसद है कि तुम लोग जीवन पाओ, वह जीवन जो आनंद से भरा हुआ है, जो अनंत जीवन कहलाता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा और साथ ही साथ बहुतायत से पाए, यहाँ बाइबल बताती है। नंबर 10, यीशु के इस पृथ्वी पर आने का जो दसवां उद्देश्य था वो लिखा है यूहन्ना 18:37 में, मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं, और जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु सत्य की गवाही देने के लिए आए। सत्य क्या है? हम देखते हैं कि सत्य परमेश्वर का वचन है। जितनी बातें यीशु के विषय में लिखा था, यीशु कहते हैं कि मैं सत्य का गवाही देने के लिए आया हूँ। तो ये 10 पॉइंट थे जो यीशु मसीह के आने का इस पृथ्वी पर उद्देश्य था जो हमने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।